प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज शो तक पे। आप सब देख रहे हैं टैरो राशिफल विद सुनिधि। सबसे पहले बात करेंगे लव ट्रिप की। तो अगर आपको रिश्तों को और बेहतर बनाना है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, रिलेशनशिप में थोड़ी खटास आ गई है, पहले अच्छे थे अब खराब हो गए हैं, बन रही नहीं रही, नोकझोंक बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको 6 शुक्रवार लगातार चावल और चीनी का आपको दान करना है और एक साथ जाके दान करना है। अगर एक साथ नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप उनका अपने मन में नाम ले लीजिएगा अपने पार्टनर का और तब दे दीजिएगा, पर कोशिश कीजिए एक साथ जाके दान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे, अब हम टैरो राशिफल की बात करते हैं मेष यानी कि एरीज राशि वालों की। सो मेष राशि वालों आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स। आज कहीं ना कहीं जितना सोचेंगे उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मन थोड़ा निराश रहेगा, जो सोचेंगे वैसा आउटपुट रिजल्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है, मन में निराशा कहीं ना कहीं आज आपकी हावी रहने वाली है। आज आपको क्या करना है, गुड़ को लाल कपड़े में डाल के बांध के आपको दान स्वरूप देना है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, जो कि टॉरस है, 2 ऑफ वैंड रिवर्स जो आपके लिए कार्ड आया है, कहता है डिले, हर चीज़ आज डिले होगी, डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी थॉट्स आप पे हावी होंगी, ये करूँ ये ना करूँ, दिन बड़ा उलझा उलझा सा निकलेगा, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कन्फ्यूजन बड़ा दिन रहेगा, कुछ ना कुछ आप डिसीजन पे नहीं आ पाएंगे, कुछ लेना चाह रहे हैं करना चाह रहे हैं तो आज डिसीजन आपका नहीं होता हुआ दिख रहा है। आज आपको क्या करना है, भगवान शिव को चंदन अर्पित करना है। मिथुन राशि वालों आपके बारे में बात करें तो कमाल है, आपके लिए कार्ड लवर्स आया है, बहुत बढ़िया दिन रिलेशनशिप और बढ़िया होते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में मिठास आती हुई दिख रही है, रिश्ते और बेहतर होंगे, अपनों के साथ संबंध और बेटर होते हुए दिख रहे हैं, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा दिन, पैशन बहुत रहेगा आज काम करने का, मन में काफ़ी पैशन, मन में काफ़ी खुशी आज आपकी मिथुन राशि वालों दिख रही है। आज आपको क्या करना है, राधा कृष्ण की मूर्ति की आज आपको उपासना करनी है, पूजा उपासना करनी है। अब बात करते हैं हम अगली राशि कर्क राशि, कैंसेरियंस आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत जल्दबाजी में आप आज रहने वाले हैं, हर काम आज आपको जल्दी करने का मन करेगा, ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, बहुत सारे काम आप एक साथ करने की कोशिश करेंगे जो आपको नहीं करना है, एक काम एक टाइम पे करेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो बहुत सारा काम मिक्स कर लेंगे और अपने दिमाग पे स्ट्रेस भी ले लेंगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, किसी की सलाह के बिना कोई बड़ा काम आज नहीं करना है, आज अपने गुरु को फ़ोन कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने का आज आपके लिए दिन है, तो कोई भी गुरु, आपका कोई गुरु है, आपके पिता गुरु समान है, कोई टीचर गुरु समान है, उनकी ब्लेसिंग्स आज आपको कर्क राशि वालों ज़रूर लेनी है। सिंह राशि वालों आपके बारे में बात करें तो कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड, पेशेंस रखिए, चीज़ें आपकी बेटर होने वाली हैं, तो आज आपका दिन जो है अच्छा रहने वाला है, चीज़ें आपको मिलेंगी, आज जो वेट करेंगे उसको आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो मन से शुरुआत करेंगे वो आपको पूरा होगा, आज दिन अच्छा जाने वाला है, ईश्वर की कृपा आज आपके ऊपर रहने वाली है। आज क्या करना है आपको, आज आपको भगवान शिव की पूरे परिवार समेत आपको पूजा उपासना करनी है। अब हम बात करते हैं 6वीं राशि जो कि 6ठी राशि वर्गो, कन्या राशि वालों आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स जो कहता है मन थोड़ा सा आज उदास हो सकता है, आज कहीं ना कहीं चीज़ें आप बीच रास्ते छोड़ सकते हैं, जैसे आधा काम करके एकदम छोड़ देंगे, आधा रास्ते में छोड़ देंगे, कहीं कुछ शुरू किया तो उसको आधे रास्ते छोड़ देंगे, आज आप कहीं ना चीज़ें कंप्लीट करते हुए नहीं दिख रहे, इसके कारण मन उदास भी रहेगा, थोड़ा सा आज मेंटली अपने आप को आप चेक करते रहिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, वैसी चीज़ें देखें जिसको देख के मज़ा आता है, कॉमेडी सीरियल्स देख लीजिए, क्योंकि आज मन थोड़ा सा आपका नेगेटिव साइड पर जाता हुआ दिख रहा है, आज दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आप इस नेगेटिविटी से निकल जाएंगे। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। लिब्रेंस के बारे में बात करें तो तुला राशि वालों हाई प्रिस्टेस कार्ड आया है आपका, आज बड़ा बैलेंस दिन निकलेगा, आज सोच आपकी काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी, काम आपके बनेंगे, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आज आपके साथ दिख रही हैं और काफ़ी अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है, कोई गाइड के रूप में आज आपके साथ जुड़ सकता है, आपके लिए जो गाइड है उसका फ़ोन भी आ सकता है, तो अच्छा ब्लेस्ड दिन आपका दिख रहा है, आज भगवान गणेश को 3 दुर्वा अर्पित करके अपने दिन की शुरुआत करेगा। वृश्चिक राशि वालों आपके बारे में बात करें तो आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कहता है दिन अच्छा जाएगा, सफलता मिलेगी, मेहनत जो करेंगे उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, किस्मत का साथ आज ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, आज आपको दिन की शुरुआत 11 गायत्री मंत्र से करनी है।
अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों का कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहता है पैसों संबंधित चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी, अच्छा फीडबैक, अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, धन लाभ के संयोग मिलते हुए दिख रहे हैं, फैमिली के साथ कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं, उन पर कुछ पैसे खर्च सकते हैं, कुछ अच्छी आइटम खरीद सकते हैं घर के लिए, तो पैसा सही जगह यूटिलाइज करते हुए दिख रहे हैं। आज के दिन की गई इन्वेस्टमेंट भी आपको फायदा देते हुए दिख रही है। आज माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का कार्ड आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। फाइनेंशियल लाभ, धन लाभ होता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई दिख रही है, जहाँ पैसा लगाएंगे आपको उसका फायदा मिलेगा। फाइनेंशियली आज दिन काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। कोर्ट केसेस में कहीं फंसे थे तो उसमें आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ मकर राशि दिख रहा है। आज आपको क्या करना है, किसी जरूरतमंद को धन का दान जरूर दीजिएगा। एक्वेरियंस कुंभ राशि वालों आपके बारे में बात करते, कार्ड आया 6 ऑफ कप्स। आज पुराने लोग, पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं, जो भी काम करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, बच्चों संग अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं, बच्चों से खुशी मिलती हुई दिख रही है, बच्चे कोई खुशी का कारण आज आपका बन सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है, किसी बच्चे को, किसी लड़की को स्टेशनरी का अगर आप जरूरतमंद लड़की को दान देंगे, कोई भी स्टेशनरी, कॉपी बुक, पेंसिल बॉक्स, बहुत बढ़िया आपको रहने वाला है। पाइसियंस मीन राशि वालों बात करें आपकी, तो कार्ड आया है मून और साथ में आया है 2 ऑफ कप्स। रिश्तों में चल रही खटास अब मिठास में बदलने वाली है, रिश्तों में चल रही परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, रिश्तों में चल रहा जो भी प्रॉब्लम्स थी उनमें अब आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप में जो दिक्कत आ रही थी सॉल्व हो जाएगी, रिश्तों में जो दिक्कत आ रही थी उसमें फायदा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो जिंदगी में इस टाइम चल रही थी उसमें आपको हल मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपको क्या करना है, आपको आज किसी गरीब इंसान को, ज़रूरतमंद इंसान को आज आपको धन का दान देना है, जिसको ज़रूरत है उसको धन का दान दीजिएगा, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी। तो ये था हमारा टैरो राशिफल, कैसा रहेगा आपका आज का दिन मेष से मीन राशि का। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।